गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सारे? आई होप आप सारे बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो नया दिन नई शुरुआत। तो आज का ब्लॉग रहने वाला है थोड़ा, मेरे एक भाई आ रखे हैं, बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं हिमाचल के, रवि भाई हिमाचल वाला। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके पास, उनको था मेरे से कुछ काम। तो भाई ने बोला कि अंकित मैं धर्मशाला आ रखा हूँ, तो तू मेरे पास आ जा, उनको कुछ काम था। तो अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ और आज हम करेंगे खूब सारी मस्ती और भाई से भी उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस लेंगे, यूट्यूब की जर्नी का। तो चलो आप तब तक बने रहो ब्लॉग में और करेंगे खूब सारा फन। गाइस मैं एक बात बोलूं, तो ये जो रोड है ना हमारे कांगड़ा का, बहुत ही बेस्ट रोड है और मतलब एकदम प्लेन प्लेन, और यहाँ पे इतना झकास व्यू दिखाई देता ना यहाँ से, भाई मजा आ जाता ड्राइव करने का। देखो इस समय मैं इतना कम्फर्टेबली होकर ब्लॉग बना रहा हूँ, एक हाथ से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और एक हाथ से ड्राइव भी कर ले रहा हूँ, मतलब दोनों काम हो जा रहे हैं। और ट्रैफिक भी नहीं है इस रोड पे, बहुत ही अच्छा रोड है ये। और ये रोड यहाँ से निकलता है चैतरू से लेके शीला चौक तक, तो बहुत ही मस्त रोड है गाइस, मजा आ रहा है फुल पावर। तो चलो जल्दी से आपको लेके चलते हैं भाई के साथ और मिलवाते हैं उनके साथ। जहाँ पे मेरे को रवि भाई ने आने के लिए कहा था वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। और रवि भाई वेयर आर यू? पता नहीं रवि भाई कहाँ से आएंगे, उन्होंने तो मिलने को यही कहा था, यही वेट करता हूँ उनका। लोकेशन काफ़ी प्यारी है, नॉर्मलिंगा इस जगह का नाम है। तो दोस्तों मैं आपको मिलाता हूँ अपने प्यारे बड़े भाई और बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हमारे हिमाचल वाले रवि भाई। हर हर महादेव, क्या हाल है? बढ़िया 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 भाई। और भाई कैसे हो? काफ़ी समय के बाद हम दोनों भाई मिल रहे हैं और भाई आजकल तो मतलब नेक्स्ट लेवल चले हुए हैं। भाई एक चीज़ बताऊँ, जिस तरह से आजकल मेरे माहौल चल रहे हैं ना, तो उस तरह से विनी पहला बंदा है जो मेरे पास आया है। अदरवाइज भाई लोग मेरे से ऐसे भाग रहे हैं, डर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने सिर्फ अपने प्यारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री उनसे कुछ बातें कही, और कुछ बातें कही मैंने योगी जी से, कुछ बातें कही मैंने, और भी बहुत से लोग हैं जो हमारे हिमाचल में है ना, तो उन प्यारी सी बातें तो कही सिर्फ। बिल्कुल इसके लिए क्या डरने की बात है, पता नहीं। भारतीय नागरिक है और हमें अपने हक रखने का अधिकार है इस देश में, आवाज उठा सकते हैं हम, लोकतंत्र है, हम महादेव के भक्त हैं, तो हम किसी से डरते नहीं है। डरने की क्या बात है भाई, डरना किससे? डरते वो है जिसने कुछ गलत काम करा। डर तो उस देश में होना चाहिए जो जहाँ पे आतंकवाद होता है। बिल्कुल, जहाँ पे बंदूकों के, अगर मान के चलो दम पे राजनीति करी जा रही है, यहाँ पे किस चीज से डरना है भाई? ये हमारा देश है, लोग आराम से यहाँ पे, हर किसी की माँ बहन सब चीजें सुरक्षित है, ठीक है। थोड़ी इंसिडेंट हो जाते हैं बीच में, जैसे रिसेंटली अभी हुआ है हमारे पास। बिल्कुल, बिल्कुल, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं क्या बता रहा हूँ, अब मान के चलो वो देखो लवर्स थे, ठीक है, आशिक। अब देखो वो जो रील्स है, मान के चलो यार उस प्यार में है ना दोनों है ना। अब एक लड़की ने देखी होगी, उसको प्यार वाली रील्स रिकमेंड होने लगी, उस लड़के ने देखी, अब धोखा हुआ होगा तो उसको भाई समझ रहे, इस तरह के जब आए होंगे, मान के चलो किसी को आज की डेट में मेरे उसमें रील पता कैसे चल रही है भाई, हथियार उठाओ युद्ध करो, है ना। और भाई ऐसे ऐसे जब एक लवर को आप खुद सोचो जिसका दिल टूट चुका है, तो भाई वो ऐसी हरकतें कर सकता है। आज की डेट में सोशल मीडिया इज स्ट्रॉन्ग वे। बिल्कुल, और बाकी टारगेट एड से मैंने बता दिया भाई कि कितना काम खराब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्या मैसेज पहुंच रहे, बिनी भाई शायद यहाँ पे दिखा देंगे कि मतलब ये दोनों आपसी लड़ाई के चक्कर के अंदर भाई जनता का नहीं देख रहे कि इनके बच्चों का क्या बन रहा है, ठीक है, ये क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इन चीजों से। तो प्लीज बैन करने की रिक्वेस्ट करिए इन्हें, है ना, क्योंकि बैन नहीं तो एल्गोरिथम हार्ड कर, हम आप भी क्रिएटर है ना भाई, आप भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब करूंगा, हर कोई सपोर्टर, हर कोई क्रिएटर करेगा भाई, सिंपल सी बात है। रील रहे, पेज भी रहे, सब कुछ रहे, बट एक समझ रहे हो ना, एक ऐसी है कि दो क्लिक करने पड़ जाए रील देखने के लिए भाजी आपको, है ना, फ्री। इस तरह से तो व्यूज बढ़ते जाएंगे, लाखों में मिल लेना तो ठीक नहीं है, बस इतना कर बोलना चाहते थे। और अभी हम चलते हैं अपने भाई के साथ, थोड़ा चाय पीते हैं, ज्यादा ही बातें बोलने लग गया हूँ अब से मैं, ना ठीक बोल रहे हो भाई। और चलते हैं भाई के साथ, कुछ समय व्यतीत करते हैं, और कुछ बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम, तो करते हैं थोड़ा बहुत इंजॉय। अभी हिमाचल वाले भाई हम यहाँ पे रुके थे, कैफे का नाम है जॉयफुल, कभी भी नहीं गए, चलो ट्राई करते हैं, तो नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। और भाई एक बात बताओ, ध्रुव राठे नहीं आ सकता यहाँ पे क्यों? अब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग तो वो क्या लिखा है नो ठीक है पेट्स अलाउड है कि नहीं,
भी कुछ लोगों के अकॉर्डिंग नहीं आ सकता भाई, वैसे ध्रुव भाई आप आ सकते हो भाई, पता नहीं मुझे ये बात बोल रहे थे कि रोस्ट कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आया। और बहुत ही ब्यूटीफुल कैफे है, वाओ, आना चाहिए था हमें पहले भी यार। भाई साहब कैसे हो? प्रणाम, जय श्री राम भाई। और बहुत ही प्यारा कैफे है, और करते हैं, लेते हैं भाई से मेन्यू और कुछ खाते पीते हैं। और भाई थोड़े से अलग दुनिया में चले गए थे, उनसे थोड़ी बातें करते हैं और उन्हें फनी मूड में ले जाता हूँ मैं, ये मेरा काम है। यहाँ पे भाई ने इतना बड़ा पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, हम दोनों के मुंह से भी बड़ा होगा ये तो। पिज्जा पार्टी है, गड़प कर जाओ, आ जाओ दोस्तों, आप भी खा लो ऑनलाइन पर। और बहुत ही अच्छा कैफे है, जॉय कैफे, और काफ़ी अच्छा यहाँ का स्टाफ भी है। वाह, लैम्प भाई, आपका फेवरेट बंदा आ गया सिद्धू मूसे वाला। ये तो सही है, मतलब इस एक्टर को तो मैंने इतना देखा है ना भाई, टैटू वाले तो तो मैं तो कार के बाहर खुद हिमाचल वाला हूँ, मूसा वाला टैटू। हाँ मतलब मैं जिन चीज़ों को मैं मानता हूँ, चीज़ों को अपनी उसमें करवाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ठीक है, अभी बाज क्यों करवाया मैंने पता है, क्योंकि सबसे ऊपर उड़ता है, उड़ता नहीं है, यही तो सबसे बड़ी गलत थिंकिंग है। हाँ तो फिर उड़ना लगे, देखो ये जो पैदा होता है ना भाई, तो उसके बचपना जो है ठीक है, वो ऐसी जिंदगी मतलब होती है उस टाइम पे। कभी तुम देखो इसको पहले जो ट्रेन कैसे होता है, मतलब घास कांटे होते हैं ना, कांटे वाला घास, उसके में इसके बच्चे होते हैं ठीक है। अच्छा। फिर इनकी जब ट्रेनिंग मिलती है तो वो ऊपर आसमान में ले जाते हैं, छोड़ देते हैं ऊपर से नीचे को बिल्कुल, और जब बिल्कुल नीचे टच होने लगता है तब उसकी माँ उसको उठाती लेके जाती है। अच्छा। अब इतना सोचो कि जब बाज बूढ़े हो जाते हैं भाई, मेरे भी नाखून थोड़े बड़े हो गए आज की डेट में, इनके भी नाखून बड़े हो जाते हैं, इनकी चोंच भी बड़ी हो जाती है, इतना जिंदगी का फेज आ जाता है कि इनको मरने की बात आ जाती है इनकी ठीक है, खुद ही मरने लग पड़ते हैं, मतलब चोंच को वो करते हैं, फिर चोंच को सोचो चोंच तोड़ते हैं, चोंच तोड़ने के बाद अपने पंजे तोड़ते हैं, पंख इनके भारी हो जाते हैं, तो कितना अच्छा मोटिवेशन मिलता है इनसे, और चलाक कितने होते हैं, स्पीड इनकी देखो 400 गोली इधर उड़ा के लेके जाएंगे इनको देख के, पता नहीं बहुत सारे रॉकेट्स वगैरह भी डिजाइन हुए थे, क्योंकि क्योंकि बर्ड्स को देख के ही जो रॉकेट्स वगैरह वो डिजाइन हुआ। आपने देखा रॉकेट्स की शेप्स कैसी होती है? हाँ, पहले बहुत तरह के रॉकेट्स बनाए कुछ इस एंगल से, तो देखा कि यार ये अभी भी स्लो है, या तो कुछ क्रैश हो जा रहे थे, फिर उन्होंने देखा कि अगर हम इनकी शेप ऐसे बनाएंगे तो हवा भी इससे आराम से गुजर जाएगी और हम और फोर्स, तो उसी की वजह से मैंने जहां तक सुना है, दोस्तों अगर कुछ गलत बोल रहा हूं तो माफ करना मेरे को, बट जहां तक मेरा नॉलेज है, जितना पता है, बट मेरे को ये तो नहीं पता, मैंने तुमने बताया शेप के हिसाब से, तो रॉकेट की शेप भी वैसी ही होती है, तो उस शेप से कहता है हम ज्यादा जल्दी मतलब वो कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर कर सकते हैं और तेज उड़ सकते हैं, तो वो पक्षियों को देख के, तो इससे ऐसे हमें नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है। भाई ने एक बाज के ऊपर जैसे आपको बताया, और अभी हम खाते हैं पिज्जा का आनंद लेते हैं, और यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं है दूसरी बाजू में ना, ये तो भाई आप तो तीनों लोग इन्हीं का हाथ है पीछे इन्हीं का ही आता है ठीक है गाइस, तो खाते हैं हम पिज्जा, लग रही है ये ले ले ले, तो दोस्तों अभी फिलहाल भाई को जाने का समय आ गया है, घर जाने का समय आ गया है, तो भाई से मिलके भी बहुत बढ़िया लगा, और पिज्जा पुज्जा खिलाया भाई को, थोड़ा मोटा किया, पतले हो गए थे, तो अभी चलता हूँ, भाई को भी कुछ काम है, मेरे को भी कुछ काम है, तो कामों में दुनिया उलझी रहेगी, 2 मिनट का समय निकाला था हमने जिंदगी का एक दूसरे के लिए, और मिलते हैं भाई के साथ, भाई को जय श्री राम, जय महादेव, और बेस्ट ऑफ लक भाई आपको आपकी जर्नी के लिए। तो अभी मेरे को थोड़ा सा कुछ काम है, अभी मैं जा रहा हूँ धर्मशाला, उसके बाद गुग्गल जाना है, गुग्गल के कांगड़ा जाना है, और बड़ा आप बिजी शेड्यूल है, और आज हमारा क्रिकेट का मैच भी है, कांगड़ा में लगे टूर्नामेंट्स नाइट्स के, है ना, मतलब तो चलते हैं वहाँ पे भी और क्रिकेट भी खेलते हैं, और ब्लॉक एंड ना ग्राउंड में करूँगा अगर हो सके तो ठीक है, तो चलते हैं और आप बने रहो ब्लॉग में। सॉरी फ्रेंड्स, तो मेरे को अपना ब्लॉग एंड करना पड़ रहा है यहीं, और ये देखो ठंडी ठंडी आइसक्रीम, और ये लच्छे वाली आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, आप भी ट्राई करना, और तो चलते हैं, थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।